हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं टैट स्कूल चैनल पर मुझे। और यहाँ पे मैं आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूँगा आप लोग के सामने, मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आज फिर से मैं इसको हमेशा के तौर पे एक नया टॉपिक, एक कुछ नयापन अपने टॉपिक के अंदर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बोरिंग नहीं लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके सीटेट प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएगा क्योंकि दो या तीन क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जीन प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों बौद्धिक विकास, इसको हिंदी में बौद्धिक विकास कहते हैं। और जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, वो सारा इंटेलेक्चुअल करते हो, वो माइंड से रिलेटेड होता है। जो ये वर्ड है बच्चों कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव ये माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इन दैट सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जीन प्याजे ने क्या किया, देखो ये ऑब्जर्वर थे, इन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व किया कि बच्चे जब इस संसार में आते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। इन्होंने कहा एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, अपने नए अनुभवों से बच्चा सीखता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने कही। और जिन बच्चों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिन बच्चों के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाई, वो उसके ज़्यादा से उनके खुद के ही बच्चे थे, कुछ बच्चे खुद के ही थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जब संसार में आता है तो संसार को किस तरीके से वो अडेप्ट करता है। अडेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस संसार में जब आते हैं तो बच्चा सीखता किससे है? अब दूसरों को देख के ही तो सीखेगा ना। जब इस संसार में आएगा तो सबसे पहले तो उसको अपने माता पिता की शक्लें दिखाई देंगी, वो उनके सामने ही रहेंगे, तो उन जैसे वो करेंगे वैसे ही छोटा बच्चा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी सेंस मेकिंग सेंस, इसी वजह से वो अपनी सेंस को गैदर करता है और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। इन्फॉर्मेशन को जब वो ऑर्गेनाइज करता है तो इन दैट सेंस जहाँ पे उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो वो जो इन्फॉर्मेशन पहले से ही गैदर हो रखी है वो उसको यूज़ करता है। वो उसको क्या करता है? यूज़ करता है। जीन प्याजे ने कहा कि भाई जो आपकी जो ये जो डेवलपमेंट है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, इकट्ठा नहीं होगा। बच्चा जब इस संसार में आता है तो क्या मतलब 10 दिन 20 दिन में ही वो सारे एक्सपीरियंसेस को गेन कर लेता है या फिर वो मैच्योर हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चा धीरे धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा होता है फिर वो धीरे होके फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा होता है, तो जैसे जैसे प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? जो एक छोटा सा भ्रूण होता है माँ के पेट के अंदर, वहीं से ही बच्चे की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ही बच्चे की क्या स्टार्ट हो जाती है? लर्निंग। वहीं से बच्चे का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो वहीं से होता है बच्चों, जब एक छोटा सा भ्रूण माँ के पेट में, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट तो वहीं से स्टार्ट हो गया, उसकी हाइट तो वहीं से बढ़नी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल जब मतलब जो कंसीविंग टाइम होता है किसी भी लेडीज़ का, तो उस टाइम जो ये भ्रूण होता है बहुत ही छोटा होता है, एक सेल के जितना होता है, आप सभी को पता है। तो जो ये छोटा सा सेल है, एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, इस तरीके से होता है। तो देखो 2 हफ्ते में अगर वो छोटा सा सेल 2 सेंटीमीटर का भी हो रहा है तो हाइट बढ़ रही है उस सेल की, आप समझ सकते हो ना। और फिर वो 9 मंथ्स के बाद तो बच्चा पूरा 1.5 फीट का बाहर निकलता है। तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट भी वहीं से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा था। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ मच मोर देन द एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स। देखो बच्चा जो है नए फैक्ट्स जो है अपने माइंड के अंदर ऐड करेगा, नए आइडियाज़ ऐड करेगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे आवर थिंकिंग प्रोसेस चेंज रेडिकली, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो रेडिकली चेंज होती है, मतलब मौलिक तरीके से चेंज होती है।
दो स्लोली फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, और धीरे धीरे जो हमारी थिंकिंग होती है, जो बच्चों, जब जब मैं हमारी कहता हूँ बच्चों, तो इट मीन्स ये बच्चों के ऊपर ही है। जब बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो जन्म से लेके जन्म, जब वो स्टार्ट हो इस संसार में नया नया आता है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो धीरे धीरे उसकी थिंकिंग होती है स्लो पेस पर चलती है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो उसकी थिंकिंग तेज, यू नो, एक फास्ट वे में बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए, वो फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा, यू नो, मॉडल आप अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा से गेन करना चाहते हो प्याजे की थ्योरी का, तो वो चार टर्म जो है उन्होंने बताए, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंसेस एंड इक्विबेरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए इनका मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये चार टर्म हैं, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंसेस, इक्विबेरेशन, ये इम्पोर्टेंट हैं एक किसी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बच्चा जब संसार में आता है तो वो सेंस लेस होता है, तो धीरे धीरे सेंस बनाता है, धीरे धीरे बच्चा सेंस डेवलप करेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, बच्चा धीरे धीरे नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊं तो मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन मैच्योरिटी है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे, और मैच्योरिटी होती क्या है बच्चों, एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिलते जाते हैं उसी के तहत वो मैच्योर होता चला जाता है, यू नो, तो उसका इंटेलिजेंट लेवल भी बढ़ता जाता है। अब एक 10 साल का बच्चा है, यू कैन नॉट कंपेयर, आप उसको 20 साल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, यू नो, 20 साल का बच्चा माइंड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टास्क कर सकता है, इफेक्टिवली कर पाएगा, और 10 साल का बच्चा क्या टास्क करेगा। मतलब अगर कंपेयर करोगे, टास्क तो 10 साल वाला भी बच्चा करेगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे 20 साल के बच्चे के साथ, तो 20 साल का बच्चा इंटेलेक्चुअली ज़्यादा डेवलप होगा एज़ कंपेरेटिवली 10 ईयर्स, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैच्योरेशन वही चीज़ है, मैच्योरेशन क्या करती है, अनफोल्ड करती है, बायोलॉजिकली चेंजेस को अनफोल्ड करती है, यू नो, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो धीरे 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 उसके काफ़ी सारे डेवलपमेंट फैक्टर्स खुलते जाते हैं, धीरे धीरे बच्चा मैच्योर होगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया एक्टिविटी, क्या है एक्टिविटी। अब जो ये मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन मतलब बच्चा धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, ये बच्चों एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, यू नो, उन्होंने एक्टिविटी पे जोर दिया कि बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या कर पाएँ, वो तो खैर एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो कहाँ से गेन करते हैं, एक्टिविटी करके, एक्टिविटी करके ही एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है, ऐसा बोला प्याजे ने। अब आप एक बात बताओ, आप आराम से बैठे हो और सोच रहे हो मुझे वो चीज़, सपोज़ अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आराम से बैठ के सोच रहे हो कि यार मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा, कैसे सीखोगे जब तक आप एक्टिव ही नहीं रहोगे, जब तक आप गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं पकड़ोगे कैसे सीखोगे गाड़ी, जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे गाड़ी सीखोगे कैसे। जब आप गाड़ी सीखोगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आप गलती करोगे, उस गलती को रिकवर करोगे, फिर से आगे बढ़ोगे, तो धीरे 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 आपको प्रैक्टिस जब होगी तो गाड़ी चलाना आएगा, तो एक्टिविटी करोगे ना। बच्चा एक्टिविटी करता है, बच्चा क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बड़ों को देखता है कि भाई हाँ बड़ा खाना खा रहा है तो वो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, अगर छोटा बच्चा है 1 साल 5 मतलब 1 साल 1.5 साल का बच्चा है तो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उसको खाना है तो वो एक बाइट आपसे लेगा और खाएगा, तो उसे धीरे धीरे पता चल रहा है, उसको ये नहीं पता कि बड़ा रोटी खा रहा है पिज़्ज़ा खा रहा है, खाने से होता क्या है उसको ये नहीं पता, लेकिन उसको वो चीज़ खानी है। जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे वो ही करता है, देखो कितना अच्छा टॉपिक है बच्चों। तो ऐसे ही बच्चा सीखता है, उसने कुछ चीज़ देखी इस एनवायरमेंट में होती हुई, वो उसको करेगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे के सामने अगर आप गाली देते हो, बच्चे के सामने आप कुछ बोलते हो, तो बच्चे फटाफट उस चीज़ को पकड़ते हैं, यू नो, तो बच्चा दोहराना चाहता है, बच्चा बड़ा क्यूरियस होता है। प्याजे ने कहा कि बच्चा, छोटे छोटे बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, वो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ही इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई शक्ति थोड़ी ना, कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि हाँ भाई घुमा ली और बच्चा सब कुछ सीख गया। उसके बाद है सोशल ट्रांसमिशन। तो प्याजे ने ना इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया, सोशल ट्रांसमिशन, कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ सीखेगा,
बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा ग्रुप के अंदर, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा जब वो अपने दोस्त बनाएगा। देखो सबसे पहले बच्चा जब संसार में आता है तो उसको वो अपने माता पिता के पास ही रहता है 5 महीने 6 महीने 10 महीने 1 साल। जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है 2-2.5, जब बच्चा घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है तो बाहर जाके वो अपने दोस्त बनाता है। जब वो दोस्त बनाता है तो उसको एक्सपीरियंस मिलते हैं वहाँ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये लर्निंग प्रोसेस है डिपेंड्स अपॉन सोशल इंट्रैक्शन ऑल्सो, कि सोशली जब बच्चा कहीं इन्वॉल्व होगा तो वहाँ से भी उसको 2-3 बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सोशल ट्रांसमिशन, और बाय द वे पियाजे ने सोशल थ्योरी भी अपनी एक बनाई हुई थी, ठीक है, वाइगोत्स्की से पहले। उसके बाद बात करते हैं इक्विलिबरेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। इक्विलिबरेशन का अगर मैं आपको एक बिल्कुल एक शॉर्ट में बताऊं तो इक्विलिबरेशन, जब बच्चा इस संसार को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसने कोई चीज़ सीखी और वो फर्स्ट गो में ही उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देगा विद परफेक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने ऊपर ये चीज़ को अप्लाई कर लो कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो, सपोज़ करो अपना गाड़ी चलाना सीखा, तो क्या 1 गो में ही आप जो है गाड़ी चला पाओगे? सपोज़ करो किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये गियर है, यहाँ से क्लच, ये क्लच है, यहाँ से एक्सेलरेटर है, यहाँ से ब्रेक लगते हैं, ठीक है, यहाँ से हेडलाइट ऑन होती है, ठीक है, आपने सारी चीज़ों को समझ लिया, लेकिन जब आप खुद गाड़ी चलाना सीखोगे तो क्या आप गाड़ी चला पाओगे? इसका आंसर है नो, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। 99.9% आप गलतियाँ करोगे, ठीक है, और गलतियाँ होना स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। तो आप जब सेकंड टाइम उस गाड़ी को चलाओगे, थर्ड टाइम उस गाड़ी को चलाओगे तो आप पहले के मुकाबला कम गलतियाँ करोगे। तो ये इस संसार का नेचर है, या एक किसी भी व्यक्ति का नेचर है संसार में, कि जब वो किसी चीज़ को सीखता है, सीखने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उस चीज़ को गलत करता है स्टार्टिंग में। और होता क्या है कि वो उस टास्क के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटअप नहीं कर पाता, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस वाली कंडीशन नहीं आती है। बैलेंस की कंडीशन तब आएगी जब वो मैच्योर हो जाओगे, धीरे धीरे आप उस चीज़ को आगे करने की कोशिश करोगे। तो होता क्या है कि जब हमसे गलती होती है तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, यार हमसे गलती क्यों हुई, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर हमसे गलतियाँ होती है तो। बच्चे से अगर गलती होती है तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा स्टार्टिंग में, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। यार हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को स्पून दे दी और बोला कि ठीक है भाई अब स्पून से आप कोशिश करो खाने की, तो बच्चा सपोज करो 1 साल का बच्चा है, वो स्पून को पकड़ेगा और देखेगा कि देखो आप देखोगे कि स्पून उसके मुंह में नहीं जा पाएगी, वो कभी तो नीचे कभी ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे। फिर क्या होगा जब वो गलतियाँ करेगा, ठीक है गलतियाँ करेगा, गलती करने के बाद फिर वो कोशिश करेगा, कोशिश करने के बाद धीरे धीरे आप देखोगे 1 महीना बाद 2 महीना बाद वो एग्जैक्टली आराम से स्पून पकड़ के खा रहा होगा, क्योंकि उसने एक बैलेंस सेट कर लिया है। इसको बोलते हैं इक्विलिबरेशन, इसको क्या कहते हैं इक्विलिबरेशन, कि भाई जो सृष्टि के साथ एक संतुलन सेट हो चुका है। हाँ ये हर टास्क में होता है, छोटों के साथ होता है, बड़ों के साथ होता है, ठीक है। तो बच्चों ये 4 टर्म्स मैंने आज आपको समझाई हैं। सबसे पहले टर्म मैंने आपको क्या समझाई है, पियाजे ने कहा कि जो जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस इतना ही ज़्यादा वो क्रिएटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा। एक्टिविटी के थ्रू वो इंटेलिजेंसी लाई जा सकती है, सोशल ट्रांसमिशन के थ्रू वो इंटेलिजेंसी लाई जाती है। इक्विलिबरेशन इस सृष्टि के साथ जितना कोई बच्चा संतुलन बैठाएगा, जितना वो गलतियाँ करेगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, फिर गलतियाँ करेगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे वो सीखने की तरफ चलेगा, धीरे धीरे वो सीख जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं इक्विलिबरेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है इनवेरिएंट फंक्शन ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग जो है उसके इनवेरिएंट फंक्शन होते हैं, मतलब अलग अलग 2 तरह के फंक्शन होते हैं बच्चों, 1 is ऑर्गेनाइजेशन, 2 is अडेप्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं हम एट द सेम टाइम, बच्चे जो है एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बना रहा होता है, वो ग्रेस्प करना भी सीख रहा होता है, वो कैच करना भी सीख रहा होता है, वो चलना भी सीख रहा होता है, वो खाना भी सीख रहा होता है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इन इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनको एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना दिमाग के अंदर, तो वो धीरे धीरे इसकी ऑर्गेनाइजेशन करता है इन्फॉर्मेशन की। अगर ये इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो बच्चा अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितनी भी एक्टिविटी कर ले,
ठीक है। तो दिमाग के अंदर इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है ऑर्गेनाइज तरीके से। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, जिसका नाम है स्कीमास, या फिर आप एक स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक छोटी सी शेल्फ है, आप समझ सकते हो, जहाँ पे एक जैसी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है जाके, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्कीमा क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करें स्कीमा क्या होता है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं।